खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहरहाल ये भीड़ देखिए, दर्शक दीर्घा और वहां पर वो 15 कुर्सियां, एबीपी न्यूज आपको बता रहा है 15 कुर्सियां, उसके पीछे और कुर्सियां हो सकती है, उसके पीछे एक और रो हो सकती है, 45 कुछ कुर्सियां। ये देखिए यहीं पर वो पहली तस्वीर आपको नजर आ, और ये अमित शाह पहुंचे, पहली बार अमित शाह आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये पहली तस्वीर अमित शाह की, उनके ठीक पीछे भूपेंद्र यादव। और अमित शाह को लेकर ही दिबांग कह रहा है ना कि पहली हेडलाइन तो अमित शाह को लेकर बनेगी कि वो मंत्री बनने वाले हैं। प्रहलाद पटेल आपको दिखाई दिए हैं, बाबुल सुप्रियो, वसुंधरा राजे बातचीत करते हुए वहां पर भूपेंद्र यादव से, और यही बातचीत कर रही होंगी कि मेरा बेटा दुष्यंत वहां मिलने के लिए जरूर पहुंचा है। नहीं, हमें यही वालों पहुंचा नहीं पहुंचा। नहीं नहीं, अरे आशीष ने बताया ना, आशीष ने कहा आगे से गुजरा है। नहीं, आशीष ने बताया कि तो दुष्यंत मुलायम सिंह से मिलते हुए देखिए, मुलायम सिंह के साथ हैं इस समय, मुलायम सिंह ने बताइए कहा था 2019 ही मोदी जी का होगा, ये वो मुलायम सिंह से मुलाकात करते हुए अमित शाह भविष्यवाणी जो की थी। अच्छा, इस बार इनके कान में कुछ नहीं कहा है, वरना जाने जाते हैं ऐसी कोई ना कोई बात जरूर कहते हैं। लेकिन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शपथ कौन लेंगे, यही शख्स जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है? मुझे कोई डाउट नहीं लगा, मुझे भी नहीं डाउट है। देखिए वो हम स्थापित नंबर यही शपथ लेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, स्थापित नंबर 2 है वो मोदी जी के बाद, उसमें कोई लिया गया तो इसीलिए लिया गया, हम सब की एक राय है मुझे लगता है। यहाँ मतलब अरुण जेटली और राजनाथ सिंह वाला कंफ्यूजन खत्म हो गया। दूसरी खबर ये भी है कि राजनाथ सिंह अब नंबर 2 नहीं होंगे इस सरकार में, जो पिछली सरकार में मैं ये डाउट करता हूं कि क्या पहले थे, ऑफिशियली तो थे, टेक्निकली थे। तो अब दूसरे नंबर पर राखी, आप भी और आप, कह रही आप, आप, आप बॉडी लैंग्वेज रूबिका ध्यान से देखिए, अभी ठीक है कामकाज संभालते रहे, लेकिन अब जबकि रोल बिल्कुल डायरेक्ट प्ले करेंगे, नंबर 2 तय होने से पार्लियामेंट में सिटिंग भी तय होगी, योगी जी के साथ के बगल में अमित शाह बैठेंगे जो पहले राजनाथ सिंह बैठा करते थे, मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, अमित शाह उन सबसे मुलाकात करते हुए, मुस्कुराते हुए मुलाकात करते हुए, क्योंकि अक्सर ये बहुत और ये सेल्फी का दौर एक बार फिर से शुरू हो ही जाएगा। अनुराग ठाकुर पीएम आवास पर ये भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, अनुराग ठाकुर के चुनाव प्रचार में गए थे अमित शाह और रैली में कहा कि इसको एमपी बनाओ, बड़ा नेता मैं बनाऊंगा। अच्छा, तो अनुराग ठाकुर 2 बार से अटके हुए थे, मैं कहूंगी उनको मंत्री अपने पिता की वजह से मंत्री बन पाए थे, तो इस बार चलिए खुशी है कि तो चिराग पासवान आशीर्वाद ले रहे हैं अमित शाह से, और अमित शाह एक आज एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल ये संगठन में नंबर 2 वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये सरकार में नंबर 2 वाली बॉडी लैंग्वेज है। ये सरकार में नंबर 2 अब कहना ही चाह रही है, तो आगे नंबर 1 जो होने वाले हैं वो वाली बॉडी लैंग्वेज है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मतलब नंबर 1 इन मीटिंग, पत्रकारों का ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये बड़ा बड़ा इंट्रिंसिक पुराना फेज है पत्रकारों का।